क्या आपको पता है कि चींटी में खून होता है या नहीं? अगर नहीं होता है तो वो जिंदा कैसे रहता है? ये आप कभी सोचे हो? अरे रहता है तो आप कभी देखे हो? नहीं ना? तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो में जो यह बात है ना, ये क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए, कहीं से भी स्पिक ना करें। और गाइस, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद एक ही वर्ड बोलोगे, ओसम फैक्ट बरो, ओसम फैक्ट। फैक्ट नंबर 5, आप पांडा को तो जानते होंगे, जो पांडा इस प्रकार होते हैं। लेकिन जब पांडा सेड होता है ना, यानी गुस्सा होता है, नाराज होता है, तब वो जब सेड होता है ना, तो इंसानों की तरह इस प्रकार बैठ के वो सोचता है अपने लाइफ के बारे में कि हम अब क्या करें आगे। तो सेम इंसानों की तरह ये भी सोचते हैं। अगर ये फैक्ट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। फैक्ट नंबर 4, थाईलैंड में एक टेम्पल है जिनका नाम सामुत प्राकन है। और ये थाईलैंड की अमेजिंग टेम्पल है क्योंकि इसको इतना बारीकी से बनाया गया है कि देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। और ये टेम्पल पूरा वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 टेम्पल है जो अमेजिंग इतना अच्छा है, आप देख सकते हैं इस फिगर में। फैक्ट नंबर 3, क्या मैं आप लोग से आपकी एज पूछूंगा तो आप लोग क्या बोलोगे? आपके एज पूछूंगा तो आपका जो जितना एज है आप वही बोलोगे, यानी कि 18, 19, 20, 21 जितना है वही बोलोगे, ठीक। लेकिन मैं आप लोग से पूछूंगा आपके बॉडी का एज, आपके शरीर का एज, तो आप क्या बोलोगे? आपको कुछ समझ में आया नहीं ना? तो चलिए जानते हैं हमारे बॉडी का एज क्या होता है। तो देखिए, हमारे बॉडी जो बनता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी जो बनता है, वो काफ़ी सारे सेल मिलकर बनता है। लेकिन एक रिसर्च में ये क्लियर हो गया है कि जितने भी हमारे शरीर में सेल है, किसी का एज 11 मंथ से अधिक नहीं होता है। यानी कि हमारे बॉडी में जितने सेल है वो 11 मंथ में ख़त्म हो जाता है, 11 मंथ के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। लास्ट बचता है 11 मंथ तक, 11 मंथ के बाद वो सेल बॉडी में ख़त्म हो जाता है, उसके जगह में फिर एक न्यू सेल बनता है। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ ये बोल सकते हैं कि जो हमारे शरीर है ना, उनका एज मात्र 11 मंथ होता है, यानी कि 11 महीने। आपको ये फैक्ट सुनकर कैसा लगा? अगर आपको ये फैक्ट जानकर अच्छा लगा, आप इससे पहले ये नहीं सुने थे, तो एक कमेंट करके आप बताइए हमको। फैक्ट नंबर 2, साल 1997 में एक 14 साल का लड़का था, वो अपने स्कूल में एक बात को लेकर वोटिंग के लिए रखा, सबको बोला कि मैं ये बात बोलूँगा, आप लोग कितना वोट हमको दीजिएगा। तो क्या हुआ, जो वो लड़का का बात था ना, वो बात था का डाइहाइड्रोजन और मोनोऑक्साइड को बैन करो। जो उसका बात था ना, वो सुनिए ध्यान से, जो उसका बात था ना, वो बात था डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड को बैन करो, इस केमिकल को बंद करो, उसका यही क्वेश्चन था, यानी कि वही इनका बात था। और वो चाहता था कि हमको वोट कितना मिले इसको बैन करने के लिए। वो बोला था डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड केमिकल को बैन करो। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पर जो डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड क्या है? आपको समझ में कुछ आया नहीं ना? तो चलिए जान लेते हैं। तो पहले, उससे पहले ये जान लीजिए, क्योंकि उस टाइम उसको कितना मिला, 50 लड़के में से उसको 43 लड़का उनके तरफ वोट दिया, यानी कि इस बात में सहमति थे, सहमति जताई मात्र 43 लड़का, और 7 ही लड़का ऐसा थे जो उनका वोट नहीं दिया। लेकिन आपको यहाँ पर समझ में आया यहाँ पर डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड क्या है? आपको नहीं समझ में आया ना? तो चलिए हम समझाते हैं कि आखिर ये क्या है। वाटर का सूत्र क्या होता है, यानी पानी का सूत्र यही होता है ना, H2O, और H2O का ही यहाँ पर दूसरा नाम है डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। तो गाइस, अगर हम पानी को बंद कर देंगे तो हम लोग रह पाएंगे नहीं ना? तो देखिए, यहाँ पर बात ये था, आप लोग समझिए, यहाँ पर बात ये था कि अगर आप लोग कुछ नया चीज़ सुनते हो तो आप पहले उसको रिसर्च कीजिए कि आखिर ये है क्या, नहीं तो आप डायरेक्टली उस सहमत में चल जाते हो। और वो सही चीज़ था कि यहाँ पर वो पानी का ही जो सूत्र होता है उसका एक दूसरा नाम था, लेकिन वहाँ पर 43 लड़का मिल गया उसको जो कि उनका सपोर्ट दे रहा था, लेकिन उन सारे लोग उसको रिसर्च नहीं किया, सोचा नहीं कि आखिर ये है क्या, डायरेक्टली सहमति दे दिया। तो गाइस, यहाँ पर यह शिक्षा मिलता है कि आप लोग कुछ नया सीखते हो, नया जानते हो, तो पहले रिसर्च कर लीजिए कि ये सही है या फिर गलत है। तो गाइस, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर, नंबर 1। तो चलिए हम जान लेते हैं कि जो ये चींटी में खून होता है,
या फिर नहीं होता है। यहाँ पर बात यह है कि बिना खून के चींटी जिंदा कैसे रहते हैं, और मान लीजिए खून होता है तो फिर हम लोग देख क्यों नहीं पाते हैं, हम लोग आज तक देखे नहीं हैं। तो गाइस चींटी में खून की जगह ये चीज़ होता है हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ नाम के एक पदार्थ होता है जो कि चींटी में होता है, और ये कुछ ऐसा दिखता है जो कि आप लोग अभी डिस्प्ले में देख रहे हो, बस सेम ऐसा ही रहता है। जो चींटी के खून के जगह ये चीज़ होता है, और यही चींटी के हर एक बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करती है और पोषण देता है, जिससे कि चींटी चल पाता है। और चींटी के हर एक सेल तक यही खून के जगह में काम करता है, यही जो हम बोले अभी हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ यही पदार्थ है जो खून के बदले में है। तो गाइस आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो जंप के शेयर करें। अगर आप लोग शेयर नहीं करते हो तो नया बंदा मेरे साथ जुड़ेगा नहीं, तो आप लोग शेयर कीजिए। तो बाय गाइस, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।